गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जयमदान। आज मैं आपके लिए कार सब स्पेशल लेकर आई हूं। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 तरह के कार सर्व दोष के बारे में बताऊंगी। इनमें से एक भी दोष आपका जीवन बर्बाद कर सकता है, तो आज का शो जरूर देखिएगा। हो सकता है आपको, आपके परिवार को या आपके किसी जानकार को कार सर्व दोष हो, आज पता चल जाएगा। और सीधे शो से शुरुआत करते हुए आप जान सकते हैं कि कैसे इसको दूर किया जाए। पर चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है आज का पहला महा उपाय। अगर पत्नी की तबीयत खराब रहती है, अगर भाइयों से नहीं बनती, अगर शादी के बाद तरक्की चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर चल रहे काल सर्प दोष से मुक्ति पानी होगी। आगे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले जानते हैं पहला महा उपाय। अगर लव मैरिज नहीं हो रही है, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणा नमः इस मंत्र का रोज 3 माला का जाप करना है। माला 108 मनकों की होनी चाहिए और प्रतीक की माला से जाप करना है। आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू हो जाएं। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। देखिए आपके काम कैसे बनेंगे। अब मैं आपको कुछ काल सर्प दोष की बातें बता रही हूँ। हो सकता है आप भी किसी तरह से काल सर्प दोष से कहीं ना कहीं पीड़ित हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और फिर उपाय कीजिएगा। उपाय कर लेने से ही काल सर्प योग में जो उनके प्रभाव है उसमें कमी आ जाती है। 12 तरीकों के काल सर्प योगों का आपको मैं तरीका बताऊंगी, उसके उपाय भी बताऊंगी। काल सर्प योग 12 प्रकार के माने गए हैं। आगे सभी भेदों के उदाहरण दूंगी, कुंडलियां भी आपको समझाऊंगी। अपनी कुंडली देख नहीं सकते, समझ तो सकते हैं। आजकल तो कितने सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंटरनेट पे। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, अपनी चार्ट निकालिए, ये एपिसोड रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपके घर में रिकॉर्डर नहीं है तो आप फोन पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बार बार देखिए, अपने परिवार दोस्तों की देखिए, आपके सामने सारे भेद खुल जाएंगे। सबसे पहला है अनंत काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली में राहु लगन में हो और केतु सप्तम में हो और उस बीच में सारे ग्रह आ जाएं। राहु जो है वो एक स्नेक का हेड है और केतु पूंछ, तो जब सारे ग्रह इस तरीके से राहु और केतु के अंदर अंदर आ गए, तो फिर ये क्या हो जाता है, काल सर्प दोष हो जाता है। राहु जब लगन में होता है, यानी कि जब फर्स्ट हाउस में होता है, आप देख सकते हैं, तो जातक धनवान होता है, बलवान होता है, साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर का होता है और बहुत ही ज्यादा करेजियस होता है। हाँ, इतना मैंने जरूर देखा है कि उसकी पत्नी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, पर वो अपनी मेहनत से बहुत अच्छी सफलता पाते हैं। इसका उपाय क्या है? सबसे पहले सूर्योदय के बाद तांबे के पात्र में गेहूं गुड़ भरकर बहते जल में प्रवाह करें। संतान कष्ट हो तो काला और सफेद कंबल गरीब लोगों को दान करें। हर दिन एक माला जाप करें, किसकी? ओम नमः शिवाय मंत्र की। कुल जाप की संख्या 21,000 पूरी होने पर शिव का रुद्राभिषेक करें। अब आपको बताते हैं काल सर्प दोष निवारक यंत्र घर में स्थापित करने से भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। नाक के जोड़े चांदी में बनवाकर, यानी कि नाग नागिन का जोड़ा ऐसे ही बोलते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, इसको आप चांदी में बनवारक यंत्र घर में स्थापित करने से भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। नाक के जोड़े चांदी में बनवाकर, यानी कि नाग नागिन का जोड़ा ऐसे ही बोलते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, इसको आप चांदी में बनवा लें। उन्हें तांबे के लोटे में रखकर बहते पानी में एक बार प्रवाहित कर दीजिए और डेली नहाने के बाद नव नाग स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें, चाहे हफ्ते भर में सोचे पूरे करने हैं। सैटरडे का फास्टिंग भी आपको बहुत राहत देगा। शनिवार का पाठ करें, शनि और राहु की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल में अपना मुंह देखकर, अपना चेहरा देखकर मंदिर में समर्पित कर दें। अपनी अपनी पत्री का पर्चा निकालिए और उसमें देखिए, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ,
दूसरा योग क्या है ध्यान से सुनिए। दूसरा है कुलिक काल सर्प योग। राहु दूसरे घर में और केतु एट्थ हाउस में, सारे ग्रह इन दोनों के बीच में हो तो कुलिक नाम का काल सर्प योग होता है। इस भाव में राहु हमेशा जातक को दोहरे स्वभाव का बनाता है, यानी कि डुअल नेचर, पल में तोला पल में मासा। साथ साथ बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के कारण अनेक तरीके की परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है। और आपको एक बात बताते हैं, ये लोग इनको अपनी लाइफ में जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनकी विदाई झेलनी पड़ती है। इसके साथ साथ कई बार ऐसे लोग जो हैं पाइल्स की शिकायत भी इनमें देखी जाती है। जातक के पास धन की कमी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को विरासत में बहुत कुछ मिलता है। अब इसका उपाय क्या करना है, चांदी की ठोस गोली सफेद धागे में डालकर गले में धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सरस्वती जी की साल में एक बार अच्छे से उपासना या पूजा करें। इसके साथ साथ सरस्वती माँ की एक साल तक उपासना करें। देवदारू सरसों को उबालकर उस पानी से सवा महीने तक नहाएं। इसके साथ साथ अर्ली मॉर्निंग बहते पानी में कोयला तीन बार प्रवाहित करें। चलिए अब मैं आपको तीसरे योग के बारे में बताती हूँ। ध्यान दीजिएगा, कहीं आपका या परिवार वालों का ये योग तो नहीं बनता। हम बात करेंगे वासुकी काल सर्प योग। राहु तीसरे घर में और केतु नाइन्थ हाउस में, और इन सभी के बीच, मतलब इन दोनों ग्रहों के बीच, राहु केतु के बीच सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे वासुकी नामक काल सर्प योग होता है। अगर तीसरे भाव में राहु है और नाइन्थ हाउस में केतु, वो तो होगा ही, ऑपोजिट होते हैं, तो इंसान के पास धन दौलत वैभव की कोई कमी नहीं रहती, स्त्री सुख खूब रहता है, साथ ही साथ मित्रों का भी सहयोग रहता है। पर अपने से छोटे भाइयों से इनको हमेशा विरोध रहता है, पर अपने पिता से अच्छी निपटती है। अब अगर भाइयों के साथ कोई दिक्कत हो, लिटिगेशन हो, मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या उपाय करें, चावल दाल और चना बहते पानी में प्रवाह करें, साथ ही मकान के मेन दरवाजे के अंदर बाहर तांबे का स्वास्तिक या गणेश जी की मूर्ति लगाएं। नव नाग स्तोत्र का एक साल तक डेली पाठ करें। हर वेंसडे को काले कपड़े में उड़द या मूंग की एक मुट्ठी दाल डालकर राहु मंत्र का जाप कर फिर आप उसको किसी को दान दे सकते हैं। अगर दान लेने वाला कोई नहीं मिले तो पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। 72 वेंसडेज तक आपको बहुत फायदा मिलेगा, इसे कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का 51,000 जाप राहु केतु की दशा अंतरदशा में करें या करवाएं। किसी शुभ मुहूर्त में नागपाश यंत्र को अभिमंत्रित कर धारण करें। डेली हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और सैटरडे को लाल कपड़े में 8 मुट्ठी भिगोया हुआ चना और 11 केले सामने रखकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन बनानास को मंकीज को खिला दें और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। अब बात करते हैं चौथे योग की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस योग का नाम है शंखपाल काल सर्प योग। राहु चौथे स्थान में हो और केतु टेंथ हाउस में हो, सारे ग्रह इसी के बीच आ जाएं तो बनता है शंखपाल काल सर्प योग। अगर राहु चौथे घर में हो, उच्च का हो या शुभ राशि वाला हो तो सारे सुख मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर शुक्र भी अच्छी पोजीशन में हो तो शादी के बाद कारोबार और धन में वृद्धि होती है। साथ ही अगर चंद्रमा यानी कि मून भी लगन में हो तो आर्थिक तंगी क्या है ये पता ही नहीं होता। इस इंसान को 48 की एज के बाद में बृहस्पति का उत्तम फल मिलता है। उपाय क्या करें अगर ये सब नहीं है तो, गेहूं को पीले कपड़े में बांध लें, जरूरतमंद लोगों को दान करें, 400 ग्राम धनिया बहते पानी में प्रवाह करें, शुभ मुहूर्त में मेन गेट पर चांदी का स्वास्तिक लगाएं, नीला रुमाल, नीली घड़ी का पट्टा, नीला पेन, लोहे की अंगूठी धारण करें, अच्छे मुहूर्त में सूखे नारियल के फल को जल में तीन बार प्रवाहित करें, मसूर की दाल साथ साथ अच्छे मुहूर्त में तीन बार दान करें, 18 शनिवार का व्रत रखें,
राहु, केतु और शनि के साथ साथ हनुमान जी की आराधना करें। आप लसनी, स्वर्ण, लोहा, तिल, सब धान्य, नारियल, कंबल, बकरा, ये सारी चीजें एक बार दान जरूर करें। अगर आपको संतान की तरफ से दुख मिलता है, अगर आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, मतलब आपका काम आप खुद खराब कर लेते हैं, या फिर घर में किसी को बुरी लत लग गई है, तो आपको कौन से कालसर्प दोष परेशान कर रहे हैं आगे बताऊंगी, उपाय के साथ साथ बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपके कल इमीडिएट कल को सुधारना है आपकी राशि की बात करके। मेष राशि के लोग इरिंग्स, खाने में मसालों का इस्तेमाल कम करें। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 6:30 PM। लकी परसेंटेज 78%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस, कम से कम 3 गमलों में आपको पानी डालना है। लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 to 2:30 PM। लकी परसेंटेज 56%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, पार्टनर से नहीं उलझें, शांति गायब हो जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:55 to 11:05 AM। लकी परसेंटेज 76%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, बेड पर जिस डायरेक्शन में सोते हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में सोएं। लकी टाइम इवनिंग 7:05 to 8:30 PM। लकी परसेंटेज 48%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और काल सर्प दोषों की बात कर लेते हैं। आगे कई तरह के काल सर्प दोष बाकी हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला है पद्म काल सर्प योग। राहु पंचम में, केतु 11th हाउस में, इस बीच सारे ग्रह आ जाएं तो इसको बोलते हैं पद्म काल सर्प दोष। जब राहु पंचम भाव में होता है और केतु 11th में, तो अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा इंसान को प्रेरित करता है। अच्छे फैमिली वाला होता है, फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत होती है, उसमें अच्छे गुण होते हैं, भोग भी पूरी तरह से करता है, पर इस योग से संतान पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है। साथ ही इंसान अपने भाइयों से भी लड़ाई करता है। 21 या 42 साल की एज में पिता को भी थोड़ा कष्ट होता है। अब हमें उपाय क्या करने हैं? रात को सोते समय सिरहाने 5 मूली रखें, सवेरे मंदिर में रखाएं। संतान सुख के लिए दरवाजे की दहलीज के नीचे चांदी का पत्रा लगाएं। नारियल अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 7 वेंसडेज को 7 बुधवार को गंगा या यमुना जी के पास छोड़ाएं। 1.25 महीने के लिए आप पक्षियों को दाने खिलाएं। अब आपको बताते हैं छठे योग के बारे में। छठे योग का नाम है महापद्म काल सर्प योग। शिव राहु 6th हाउस में होता है, केतु 12th में, इस बीच सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो ये काल सर्प दोष बन जाता है। इससे होता क्या है अब आपको ये बताते हैं। राहु 6th हाउस में, केतु 12th हाउस में, सारे ग्रह इसके बीच आ गए तो बना काल सर्प योग। जब ये बनता है तो प्रॉपर्टी, गाड़ी, ज्यादा उम्र, साहसी, बहादुरी का योग बनता है। ये योग लोगों को बहुत हेल्पफुल बनाता है। ऐसे लोगों को बीमारी घेरे रखती है। अगर इंसान को सट्टे या जुए की लत लग जाए तो बर्बाद हो जाता है। आंखों की बीमारी से दूर रहना चाहिए। उपाय क्या है ये जानिए। गणेश जी की उपासना करें, सर्व मंगलकारी सिद्ध होगी। श्रवण मास में 30 दिनों तक महादेव को अभिषेक करें। शुक्ल पक्ष के पहले सैटरडे को शनिवार का व्रत आरंभ करें। ये व्रत 18 बार करें। काला कपड़ा धारण करके 18 या 3 बार राहु का बीज मंत्र की माला का जाप करें। उसके बाद एक बर्तन में जल, दूर्वा और कुश लेकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। इसके साथ साथ खाने में मीठा चूरमा, मीठी रोटी, रेवड़ी, ये सारी मीठी चीजें जरूर खाया करें। अब आपको बताते हैं तक्षक काल सर्प योग कैसे बनता है। केतु लगन में और राहु सप्तम में, तो इंसान में तक्षक नामक काल सर्प योग बन जाता है। इस योग में इंसान बहुत ही उच्च अधिकारी पद पर, सरकारी पद पर काम करता है, सुखी होता है, मेहनती होता है, धन वाला होता है, साथ ही साथ अपने पिता से, परिवार से बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ गड़बड़ भी होती है। लक्ष्मी की कोई कमी इसको नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी अपने पैर पर ये इंसान खुद कुल्हाड़ी मारता है। उपाय क्या है?
11 नारियल बहते पानी में प्रवाह करें। काल सर्प दोष निवारण यंत्र को स्थापित करें। इसकी रेगुलर पूजा करें और सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएं। आगे बढ़ने से पहले अभी वक्त हो गया है आपको बताने का आज के दूसरे महा उपाय के बारे में। दूसरा महा उपाय है आपकी स्किन की खूबसूरती के लिए। संतरों के छिलकों को सुखाकर पीस लें। इसमें नारियल का तेल, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर आप इसको चेहरे पर लगाएं। इससे स्किन सॉफ्ट और शाइनी बन जाती है। काल सर्प की और ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन इससे पहले चलिए आपकी राशियों पर नजर डालते हैं। सिंह राशि के लोग काले कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाइएगा। आपकी टाइम मॉर्निंग 9:45 टू 10:50 AM। लक साथ दे रहा है 69%। कन्या राशि के लोग वर्गो, सुबह काम पर निकलने से पहले सूर्य के दर्शन कर लें। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM टू 2:15 PM। लक साथ दे रहा है 57%। तुला राशि के लोग लिब्रल, शॉपिंग करने जाएं तो ज्यादा मोल भाव नहीं करें, नुकसान ही होगा। लकी टाइम इवनिंग 5 PM टू 6:30 PM। लकी परसेंटेज 63%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियो, कल चींटियों को चीनी डालें। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 टू 11:30 AM। लकी परसेंटेज 47%। चलिए अब मैं आपको काल सर्प दोष के तीन और खास योग बताती हूँ। अब बात करेंगे कर्कोटक काल सर्प दोष की। केतु सेकंड हाउस में, राहु एट्थ हाउस में, सारे प्लैनेट्स इसके बीच में, तो बन गया कर्कोटक काल सर्प दोष। इस योग में इंसान बड़े मन वाला, समाज सेवी, धनवान होता है, पर वाणी पर कभी नहीं ठहरता। साथ ही परिवार वालों से कम ही पटती है। उपाय क्या है? चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखें। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें और 5 मंगलवार व्रत रखते हुए हनुमान जी को चमेली के तेल में दुलावा सिंदूर और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। अब आपको बताते हैं शंख चूड़ काल सर्प योग क्या होता है। केतु तीसरे घर में, राहु नाइन्थ हाउस में, सारे प्लैनेट्स बीच में, बन गया ये वाला योग। इस योग में इंसान ज्यादा उम्र तक जीता है, मेहनती होता है, साथ साथ ऐसे लोगों के अंदर अचीव करने की, पैसे कमाने की, प्रॉस्परस होने की क्वालिटी होती है। पर अगर इनकी लाइफ स्मूथ नहीं चलती है तो इनको राहु और केतु के बीच मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसे में इन लोगों को शनिवार के व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। योग की शांति का प्रण लेते हुए इनको शनिवार का व्रत रखना चाहिए। इन लोगों को 18 शनिवार तक ये व्रत रखना होगा। चांदी या अष्ट धातु के नाग बनवाकर उसकी अंगूठी हाथ की मिडिल फिंगर में पहने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से सुनिए। इसका नाम है घातक काल सर्प योग। केतु फोर्थ हाउस में, राहु टेंथ हाउस में, घातक काल सर्प योग बनता है। इस योग में इंसान मेहनती, पैसे बचाने वाला, सुखी होता है, राजयोग का सुख भोगता है। सब कुछ होने के बाद भी इंसान के पास अपना सुख नहीं होता। उपाय क्या है? हर मंगलवार को व्रत करें, 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार का व्रत भी रखें। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाएं। और भी अलग काल सर्प दोष की बात करूंगी, पर इससे पहले आपकी राशि की बात। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन, जॉब के लिए कल अप्लाई कर सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM टू आफ्टरनून 3 PM। लकी परसेंटेज 82%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, कल वक्त निकालकर परिवार के साथ कहीं पर खाने पर जाएं। लकी टाइम इवनिंग 6 PM टू नाइट 9 PM। लकी परसेंटेज 81%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, कल वक्त निकालकर परिवार के साथ कहीं पर खाने पर जाएं। लकी टाइम इवनिंग 6 PM टू नाइट 9 PM। लकी परसेंटेज 71%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियन, किसी पार्क में सुबह टहलाएं, दिन भर सुकून रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9 AM टू 11 AM। लक साथ दे रहा है 68%। और मीन राशि के लोग पाइसेंस, जितना हो सके वाद विवाद से बचे। लकी टाइम इवनिंग 7 PM टू 9:15 PM।
लक साथ दे रहा है 55%। चलिए लास्ट के दो खास कालसर्प योग आपको बताते हैं। अगला कालसर्प योग है विषधर कालसर्प योग। अगर केतु फिफ्थ हाउस में, राहु इलेवेंथ हाउस में, सारे प्लैनेट बीच में, तो ये योग बनता है। इस योग में इंसान 24 साल की उम्र के बाद सफलता प्राप्त करता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पर पहला बच्चा जो है उसको मुश्किल जरूर आती है। घी का दीपक जलाकर दुर्गा कवच का पाठ करके और साथ साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। आप श्रवण मास के महीने में, सावन के महीने में 30 दिनों तक महादेव का अभिषेक करें। अगला योग है, उसका जो नाम है वो है शीशनाग कालसर्प योग। केतु सिक्स्थ हाउस में, राहु ट्वेल्थ में, तो क्या बना? शीशनाग कालसर्प योग। अब इसमें होता क्या है ये आपको बताते हैं। इस योग में इंसान हमेशा अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ से सफलता हासिल करता है, पर बहुत जरूरी अपने आचरण को जो है इसको कंट्रोल में रखना होता है। अगर ऐसे में प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या उपाय करने हैं? काले और सफेद तिल बहते पानी में डालें, किसी भी मंदिर में केले का दान करें। शो के आखिर में जानेंगे आज का तीसरा वहाँ उपाय। भगवान को खुश करने के लिए पूजा कक्ष में लाल रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। अगर पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में है तो भगवान को खुश करने के लिए लाल नहीं बल्कि हरे रंग का प्रयोग करें। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कल मैं आपको दिखाऊंगी एक स्पेशल चीज। कल है फीमेल स्पेशल, ढेर सारे सरप्राइजेस आपके किचन और आपके लिए। आज नहीं राज खोलूंगी, राज तो कल ही खुलेगा। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, लोगों के साथ शेयर करें। बाय बाय।